हेलो नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छी होंगे ना। सो आई एम प्रीटी श्योर यू गाइस विल बी सरप्राइज्ड व्हाट्स रॉन्ग विद दिस लेडी। आई एम वेयरिंग कट राइट। सो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू। तो मुझे बोला गया था, मैंने थोड़े बहुत कमेंट पढ़े थे, उसमें बोला था कि आप पहाड़ी में बात करें, पहाड़ी में बात करें। आई मीन कि पहाड़ी, हमारी पहाड़ी हर जगह में बहुत अलग अलग है। लाइक वी डोंट हैव अ सेम लैंग्वेज। पहाड़ी भी हर एक जगह में जाके एक अलग अलग लैंग्वेज है। तो अगर मैं अपनी पहाड़ी में बोलती भी हूँ तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, बिकॉज मेरे गांव के अलावा किसी को नहीं समझ आएगा। बट उसके बाद भी मैं थोड़ा थोड़ा बोलूँगी पहाड़ी में। ऐसे बोलते हुए पहले ना अच्छा ठीक है, मैं पहले एक बार बताती हूँ मैं। अच्छा मैं आपको एक पहले ये चीज़ दिखा दूँ कि मैंने आज क्या पहना है। मैंने क्या पहना है, रुको अच्छे से दिखाते हैं। ये जो मैंने पहना है ये ऊन का है, तो इसको कलर भी करते हैं, तो प्रिंटेड करके। तो इस तरीके से ये हमारे पुराने उसका है, पुराने टाइम में मेरे दादी मेरे पहनती थी, तो वो इस तरीके का पजामा बनाते थे। और ये कमीज तो है ही, आई नो, बट ये कोट है, ये भी ऊन का बना हुआ है। तो देख सकते हैं हम, इसमें ये पट्टी भी लगा हुआ है, और हम इसको ऐसे भी टाई कर सकते हैं इफ यू वॉन्ट टू गो लाइक दिस, वेदर यू गो लाइक दिस। और हाँ, ये मम्मा का एक्चुअली सब मेरा कुछ नहीं है, और ये ढाटो भी मम्मा का है। ये भी प्योर हमारा पहाड़ी ड्रेस नहीं है, एक्चुअली मम्मा के पास जुड़की नहीं है। जुड़की जो रहता है वो भी ऊन का बना रहता है लेडीज़ के लिए, तो वो होता तो प्रॉपर आ जाता एक्चुअली। तो ठीक है, जितना मुझसे हो पाया, मैंने मेरे पास जितना था उतने मैंने पहन के अभी, कि आप सब देखें। तो फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी पहाड़ी में, लाइक बेसिक सा बात करेंगे हम पहाड़ी में। मैं थोड़ा सा हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी आपको। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल, सो हाउ वी टॉक इन पहाड़ी। एक्चुअली पहाड़ी वी हैव अ डिफरेंट डिफरेंट प्लेस हैज़ अ डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज। सो वी डू अंडरस्टैंड, बट द थिंग इज वी कैन स्पीक। एंड आई थिंक लेट जस्ट सी हाउ इट वर्क्स। तो मैं स्टार्ट करूँगी काकी से। काकी का नाव तुम रो? मेरा नाव कुछ नहीं, डैश है। तो मैंने इसे पूछा कि लाइक व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है। शी सेड माय नेम इज डैश डैश डैश। एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, तुम्हें क्या कर रही? कुछ आन का वो लाइक शी सेड आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, आई एम जस्ट सिटिंग। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ बैठी हूँ। और तीसरा चीज मैं इसको बोलूंगी, काकी तू कद बांकी लग लगी होती। सो आई सेड टू हर, यू लुक सो प्रीटी। एंड शी सेड रियली? आई सेड या। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर यू गाइज, राइट? द थ्री थिंग इफ यू गाइज विल नो, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू। एंड उसके बाद ये मेरी प्यारी सी काकी है ना, जो ये बहुत शर्माती है। बड़ा मुश्किल इसको मनाया मैंने ये इतना सा जवाब देने के लिए, बट इट्स ओके, एवरी विल नॉट सेम। एंड इसके बाद हमारा आज का प्लान है कि हम लोग आज घर पे मम्मी पापा नहीं है, तो आज का सारा काम हम लोग करेंगे, जो हम लोगों ने काम डिस्ट्रीब्यूट किया है तीनों में। एक लंच बनाएगा, एक गोबर निकालेगा, और एक गाय दोएगी। और देन उसके बाद काकी मोमोज बना दी ना, कितने बजे? लंच के बाद, लंच से पहले? तो ये मोमोज लंच के बाद बनाएंगे, चलो वो हम नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। तो उसके बाद अभी का मैं आपको क्या बताऊं, तो फिर मैं जो, अच्छा आपको जो पीछे दिख रही ना पट्टियाँ, वो हमें जस्ट टू मेक इट ड्राई, क्यों ये जो पट्टियाँ बनी ना उनसे ही ये कोट बनते हैं। और जो भी है जुड़की में जो मैं बात कर रही थी, वो भी उन्हीं पट्टियों से बनते हैं। इनको ड्राई करना पड़ता है, ड्राई मीन्स कि इनको वॉश करके नहीं, आपको ईयरली या 6 महीने में एक बार फिर भी धूप में ड्राई करने को डालना पड़ता है, अदरवाइज ये ख़राब हो जाते हैं। एंड द सेकेंड थिंग कि ये ऐसे उधर उधर खिल रहा हुआ सारा सामान जो है, वो एक तो थोड़ा सा बहुत मेरे घर का काम चल रहा है, तो इसमें सारा थोड़ा सा मैस हो रखा है, बट इट्स ओके, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। और मैं बोल रही थी कि मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, और मैं पढ़ती हूँ ना, आई अप्रिशिएट सबको, कि कोई लोग अच्छा कमेंट करते, कोई वेट सा करते हैं, कोई बहुत गंदा करते हैं, बट ठीक है यार, वो तुम्हारे थॉट्स है, वो तुम्हारे ओपिनियन है, वॉर एवर यू फील, आप लोग लिख लेते हो, मेरे पास कुछ है नहीं बोलने को। एंड सब लोग अच्छे नहीं होते ना, कुछ लोग फिर ऐसे भी होते हैं
और मेरा मुर्गा बहुत डिस्टर्ब कर रहा है हमारे को। एंड चलो फिर बाकी का आगे का ब्लॉग हम इसके बाद शूट करेंगे, और वो सब जो हम काम करेंगे वो सब नेक्स्ट ब्लॉग में डालेंगे। एंड अभी के लिए वाला ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। सी यू।